अप्रैल 4 तारीख को यहाँ से बड़ों से हिदायत लेते हुए हमारा रुख बेंगलुरु से सुल्तान शाह से लेकर केरला की जो बॉर्डर है कुमुड़ी तक हमारा रुख बने थे। साथियों को बहुत सारा साथियों की राय भी आई है जमात सेलम तक भी नहीं पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मदद किया। हमारा जमात 30 दिन में काम, अगर निकलने के टाइम 17 साथी थे, 30 दिन में काम करते हुए एक एक दिन सफर का हमारा 3 बजे साथी उठ जाते, 3 बजे उठकर चलना शुरू करती मजदूर जमात को जाकर पहुंच जाते, चाहे वो 20 किलोमीटर भी रहते, ताकि एक दिन का रुक था एक बस्ती में ठहरना, वो मजदूर जमात को जाकर जो पकड़ कर मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जमात 30 दिन में दिल्ली तक पहुंचे थे। वो जो 30 दिन के अंदर हमारा जो जमात में हर घर बस्ती में तस्कील भी हुआ, 4 महीने के नगद हुसूर से भी 4 साथी, धर्मपुरी से 4 साथी, सोलगिरी से यहाँ से 17 साथी निकले, यहाँ से पूरी तक पूरी पैदल, फिर वापस डिंडीगल तक भी पैदल, डिंडीगल तक एक महीने में पैदल, अप्रैल की महीना भी था जबरदस्त धूप, अलहमदुल्लाह में रहने वाला धूप को संभालना तो बहुत मुश्किल, लेकिन अल्लाह फिर भी इसलिए हमने मसूरा में तय किया रात को 3 बजे सफर शुरू करे, तो अलहमदुल्लाह वो धूप आने से पहले पहले हमें मस्जिद के लिए अलहमदुल्लाह पहुंच जाती, इसमें जो अल्लाह रात में सफर को भी अल्लाह कम किया अलहमदुल्लाह 20-20 किलोमीटर को हमारा साथियों ने 3 घंटे में अलहमदुल्लाह जाकर पहुंच जाती है, इंशा अल्लाह अल्लाह रात के सफर में अल्लाह जो बरकत भी अल्लाह दिया, चलने में भी अल्हम्दुलिल्लाह साथी दे देसी से अलग चलते। हमें दिल्ली कर जाने थे कि हमारे जमात की जो अफराद 30 साथी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जाते हुए काम करते हुए जहाँ भी एक बस्ती भी नहीं छोड़े अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर बस्ती में जाकर हमारे जमात में जो 30 साथी जब बने, हमारे जमात में 9 इंजीनियर आम भी थे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर, अभी फारिक और टुबली और मैकेनिक इंजीनियर अल्हम्दुलिल्लाह, हमें दिंडीगल पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने में, दिंडीगल मरकज में मरकज के अंदर के भी दाखिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ों से सामने बात भी रखे, हमारे जमात काम करने के लिए आकर है, अब अगर आप जैसा बोलती हूँ ऐसा काम करते हैं मसूरा के कादे कर गए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो साथी भी चल जो है बातों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिमाग काम करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, डिंडीगल से वहाँ आ गए कि हमारा काम डिंडीगल तक लगातार जाना है, डिंडीगल के बाद एक बस्ती भी नहीं छोड़ना, इसी मेहनत करना कर अल्हम्दुलिल्लाह मसूरा भी हुआ, डिंडीगल की बात अल्हम्दुलिल्लाह एक 17 किलोमीटर सिंबटी है, वहां से 5 गांव है, उस अतराब मेहनत करे, ऐसा मेरा मेहनत करते करते अल्हम्दुलिल्लाह रमजान अतरा गुंड करके डिंडीगल से एक 35 किलोमीटर है, ये पूरा काम करते हुए हमारा जमात रमजान ये को जो अतरा गुंड पहुंचे, वहां से भी अल्हम्दुलिल्लाह कारगुजारी तो बहुत लंबी आई, जो आपने जिस सवाल घंटे की करी होगा वो तो 30% का जो 30% का कारगुजारी है, इसलिए जो छोटा हमारा जमात 10 रमजान में देवदान पट्टी करके गांव पहुंचे, वहां अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खास बस्ती भी है, काम की जो कुलाल और मैदान मुसलमान की 3000 गरा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जमात में जो इंजीनियर रहने की वजह से जो जो बस्ती के थोड़ा अखबार करते हैं हमारा साथी जो चाक में पूरा बस्ती का नक्शा लेकर आ जाते हैं, पूरा जो बस्ती को जो चाक में मैप में आ जाते हैं, हमारे जमात में 30 साथी थे उसमें जो 3 जमात बाहर जो बस्तियों को जो बस्ती के लगभग जो बाहर बस्तियां वो बस्तियों को कहीं चलते हैं, उसमें एक तलबा की जमात एक खवास किस्म की जो मेहनत करने के लिए जमात 5 जमात मोहल्लों के अंदर काम करते हैं, अलहमदुल्ला तलबा में भी बहुत सारा मेहनत हुआ, वो बस्ती में जो 50-3 तलबा था उसमें तकरीबन 30 तलबा हमारे साथ वक्त लगाए, उन्हीं के रहबर बनाकर अलहमदुल्ला पूरी बस्ती में जो जो 6 दिन में पूरा बस्तियों को 3000 मुलाकात अलहमदुल्ला हमारा जमात में जो 9 जमात थे जो सुबह और शाम एक एक जमात 50 मुलाकात करती तफसीली इसमें अलहमदुल्ला तस्किल के साथ अलहमदुल्ला एक दिन को जो 50 एक जमात 50 मुलाकात 9 जमात 450 मुलाकात चल जाता है अलहमदुल्ला, पूरा बस्ती के ऊपर ये करिया भी नहीं छोड़ते,
हरिया हरिया रोने की हालत में कोई सवारी में चल दिया अर्जना के आंसे शुरू होते हुए जो कई सवारी में खुशूसी मुलाकात कितना किलोमीटर लंबे जो 15 किलोमीटर है तभी खुशूसी में जाकर मेहनत कर रहा है लेकिन वो पैदल कैसे वो बस्तियों में पड़ती जा रहा है साथियों भी बोलती कहीं भी तुम्हें ऐसा करने तुम्हें सवारी में जाओ तो बहुत अच्छा है ना कहीं भी 15 किलोमीटर रोज की हालत में तुम्हें जाना है करके बोलते हैं लेकिन वो पैदल के असर तो बस्ती में पड़ते हैं लोग जो जिंदगी पर मस्जिद को नहीं आएगा वो भी साथ में मस्जिद में एक दिन देर में क्या जाएगा तो कुर्बानी की नतीजा वो बस्तियों में अलहमदुल्ला इसी तरह जो 16 रोजा जो हमारा जो जमीनी इलाका पर होगा अब 17वां रोजा है हमें आगे को काम जाना है अब दिंडीगढ़ से जो दिंडीगढ़ की जिला है उसमें सिर्फ एक बस्ती है वो कोई चैनल है वो चुनकर है वो कैसा करना करके हमने मसला सोचे वो तो नीचे से पहाड़ी 7000 फीट का ऊपर पहाड़ी की इलाका 50-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है अब हमें रमजान की बात होना तो वो इलाका कर लीजिए करके अलमुला राय आए फिर अलमुला हमने साथियों ने राय दिए वो बड़े कहने ऐसी बस्ती है पूरी दुनिया से वो आयासी करने के लिए आए जो वो टूरिस्ट प्लेस था जो पूरी दुनिया में ऐसे एक मुल्क नहीं है जो बड़े कानर को फिरने के लिए नहीं आए करके बोलने वाला पूरी दुनिया में नहीं रहता ऐसा जो समर की वक्त पर जो वहाँ पर जो अगर जो आजादी जिंदगी गुजारती है यहाँ बोलना को तो गुनाहों का हड्डा है जो कितना लाचा है ऐसा ये कुर्बानी के साथ वो बस्ती में जाओ तो क्या कभी काम होता करके अल्हम्दुलिल्लाह साथियों के अंदर राय आए ठीक है चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह करके जो हमारे जमात 17वां जो रोजा है जो बदरीन का दिन था उनका वहाँ जो कुर्बानी है यहाँ क्या हमें यहाँ कुर्बानी देंगे जो हमें जाना है 50-3 किलोमीटर जाना है हमारे जमात में 7-5 साल की उम्र वाले भी थे हमें दरखास्त किया हमें जो बारा करके बोलते जो तुम्हें जो बस में आ जाओ तो वो बुजुर्ग फरमाया करते थे तुम्हें जरूरत की जा चले जाना हमें उस जाना ये अच्छी बात नहीं है हमें भी आपके साथ ही भजन आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह साथी अगर उम्र वाले भी पैदल आए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर साथी ईसा तो जो पगाड़ी इलाका इसीलिए आशा की तरह है कि जो लकड़ी हमारे हाथ में रखकर हमें चलना शुरू करे रोजा रोजे की हालत में 6 बजे चलना शुरू करे जाते जाते एक मदद भी मिले दरमियान में 47 किलोमीटर में ऊँचू करके एक बस्ती था जो वहाँ रोड तो है 40 की करीब दरवाजा है लेकिन एक मुसलमान भी नहीं है साथी फरमाने लगे मैं तो पीडब्ल्यू में काम करने वाला रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सुब्रमणि करके उसका नाम है मैं होना तो ये बंगला बना कर बंगला की चाबी दे तो ना वो करंट का जो इंतजाम है पानी नहीं है अब आदेश कर आप तो तुम डालने वाला वो करो तो आपकी तन का इलाका थोड़ा सहूलत मिलता करो तो जो ठीक है उन्हें भी चाबी दे दिया हमें जो 6 बजे शुरू करे जाते हुए हमारे तालीम हमारे तरबियत जाते हुए कितना बस्ती वाला है उनसे मुलाकात करते हुए हमारे जो जमात 5:30 बजे शाम को पहुंचा वहां जाकर अल्हम्दुलिल्लाह जो उतने लोगों को थोड़ा हमारा हिम्मत भी किया एक दुआ भी हुआ वो लोग भी हमारे ऊपर मोहब्बत था गैर लोग था फिर भी कोई चीज को पैसा नहीं लेते थे जो तुम्हें ले लो तुम्हें आना हमारे लिए मुबारक है क्योंकि वो लोग जो बहुत खुश होते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो पहला सफर जो लंबा जो पगाड़ी की इलाका सफर है वो रोड भैया रोड भी नहीं है भैया जो जंगली इलाका में हमारे जमात गए थे यहाँ तक लोगों ने डरा दिया वहाँ जंगली बैल बहुत है आपकी जान की भी खतरा है जो तुम्हें जाना नहीं कर कर अंदर हमारे साथ हमारा जो एक रहबर भी आया जो रोड तक पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम करो ऊंचू में जो बाकी 4.5 किलोमीटर जो है पढ़ने कार्य करके 10,000 कैसा हमारे बेंगलोर में रेड्डी की जो इलाका में रेडियो की आबादी है पैसा वन छिटियार करके वो कम रहते हैं उनकी 10,000 आबादी है लेकिन सिर्फ 3 मुसलमान की जो मालूम हुआ अमीन जो जाकर मुलाकात की रही थी उन्होंने वो तीनों में से पहले में समझे 3 करके वो 2 से मुलाकात हुआ एक तो कुरैशी जो गोश्त काटने वाला वो आइतवार की दिन था तो मैं बिजी भी था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमात तो कहीं भी जाए तो भी अस्पताल में भी जाकर लोगों को थोड़ा तसल्ली देते चाहे वो मुसलमान रहेंगे गैर मुसलमान
मुसलमान बंदे उनकी थोड़ा तोहफा वगैरह देना, उनकी थोड़ा दुआ करना, उनकी भी जो दिल की सुकून मिलते हैं। फिर हम लोग जो जमात आते हैं अलहमदुल्ला, वहां लोगों भी फरमाने लगे आज हमें जो नीचे देखे जो आपकी तरह एक मजमा अलग है, आप उनकी जो सर में भी अम्मा माता उनकी हाथ में भी लकड़ी था, एक कलम अभी भी आ रही जो वो कौन है आपकी दोस्त अलग है करके पूछा नहीं तो पता नहीं हमें करनी चाह गया कर ऐसा काम करते हुए वापस जाने लगे। अब उन्होंने जो रास्ता बताया तुम्हें फिर जाना हो तो चार चार किलोमीटर है, लेकिन ये रास्ते पर जाए तो पौना एक किलोमीटर में ऊंच पहुंच जाएंगे। अलहमदुल्ला हमारे जमात निकल पड़े, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था, जो पत्थर की जो रास्ता था बहुत डाउन था, एकदम जो डाउन की इलाका था, लेकिन हमें जाते जाते कारोबारी पहले भी आपको आदर होगा एक बैल था, हमारे साथी वो बैल से बात शुरू करने लगे, इब्राहिम आप तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद करने वाला जो कानान में से आप भी है, हमें भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मकसद के लिए निकले हमें भी यही मकसद के लिए निकल कर है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपको जो बरदादा ने जो मदद किया आप हमारा थोड़ा रास्ता बताओ तो बहुत अच्छा रहेगा करके बात करने लगे। वो बैल जो चलना शुरू कर दिया, हमें पीछे पीछे चले, एक 15 मिनट में मेरे घर में जाकर जो गेस्ट हाउस था जो कमरा था उसमें जाकर जो हमारे गड़बड़ी कर दे पहुंचा रहा अलहमदुल्ला। शाम भी आया अलहमदुल्ला, अगर रात में 3 बजे तहज्जुद के लिए उठे तो वो पूरा जो कमरा जो वो रूम को वो बंगला को जो तलाश करते रहते हिफाजत के लिए, सुबह में जो वो गुम हो जाती कान दिया मालूम नहीं, लेकिन रात में वो आ जाता। तीसरा दिन जो दूसरा दिन भी जो एक साथी की छोड़ कर उसको नहीं छोड़ना करके हमें मुलाकात की है, वो साथी एक साथी पर मांग रही है कि जो सरदार है वो हमारा अल्टा है तुमने कहीं को बूथ में उनको ठहराया हमारे बस्ती के लेकर आए तो कितना अच्छा रहेगा, तो फिर मांगने लगा मैं जाकर वो जो सरदार से बात करो तुम्हें आओ हमारे बस्ती को, यहाँ तो मस्जिद नहीं इनकी घर छोटा कैसा आएंगे, हमें तो आपकी नहा जो जो फंक्शन आ रहे उसको कॉल कर लेंगे तुम्हें कितना कितना दिन होने तुम्हें ठहरा मुसलमान थे इसके वहां से 10 किलोमीटर टांडी कुड़ी फूलतूर ऐसा बस्तियों में भी जाकर वहां भी 4-5 घरों में मुलाकात कर कर आए, एक एक दिन बड़े लोगों ने हजारों नजमा घरों से मुलाकात करने चले आ जाते, तो जो इत्यादि को तो हमें भी थोड़ा कंजी बनाकर उन लोगों को खिलाना जो बोटा वगैरह खिलाना उनकी खुशबी का हमारे साथ अलहमदुल्ला। एक एक दिन दूसरा दिन तो नहीं आने लगे, 2000 से 4 मजमा वर्ग से मिलने आया अलहमदुल्ला। हमारा सफर ऐसा ही शुरू हुआ, तीसरा दिन हमारा जो ठिकाना जो पनीर का रुका आगे जो बस्ती वाले फरमाने लगे तुम्हें बोलने के बगैर आ गया, वो भई लाकर सुबह में चिल्लाने लगे आपके रूम के सामने कर ये लोग कहाँ छोड़ेगा मेरा गलती का कभी होगा क्या करके वो भाषे में जो चिल्लाने लगे करके बस्ती वाला के पर ऐसा हमारा जो सफर शुरू करते हुए पगारियों के इलाका में मस्जिद मिले तो अलहमदुल्ला लोगों तो टेन बाइकों में टेकते थे कितना जो तन रहे थे भी हमारे साथ अलहमदुल्ला चलते रहे थे अलहमदुल्ला। वहाँ जो फरमान मरेंगे बीते जो वहाँ 5 इलाका में मेहनत के लिए फिर संभव होने लगा, ऐसी हवा है एक जो एक दीवार को तो 2 किलो की पत्थर रखे तो पत्थर भी उठता है ऐसा हवा इलाका, बारिश भी लगातार पड़ रहा। अलहमदुल्ला हमारे साथियों ने दुआ करने लगे अल्लाह दुआ की वजह से अलहमदुल्ला बारिश की भी रुकी अलहमदुल्ला आदर जो अल्लाह हवा अलैना वाला अलैना ये दुआ पढ़ते थे अल्लाह जो पूरा बस्तियों में बारिश है लेकिन हमें जो टोल कर है भर रहा है वो भर रहा में बारिश नहीं। वहां भी अलहमदुल्ला बाजू जो 6 किलोमीटर प्रहार से बोल जाकर वहां काम करे काम कर कर आते हुए एक दीवार की एक नजमा मिले अलहमदुल्ला एक नौबत साथियों का उनसे मुलाकात करे हमें बात करे अलहमदुल्ला वो साथियों की अंतक रंगना भी मालूम नहीं ऐसी जंगलों में जो वो जो बिल्डिंग बनाने के काम में मुस्तरा है अलहमदुल्ला। मेरे जमात काम करते हुए आगे का मेरा 47 का जो रोजा है खत्म का दिन है वो वाला काटू हो लेकर के एक बस्ती था वो मस्जिदों में जो जमात करने की इजाजत नहीं था इसलिए मैं उनसे एक 2.5 किलोमीटर पहाड़ों को फिर चट्टान में जो वो रात गुजरी वो रात जो चट्टान में बारिश भी था जो कोई जगह नहीं इत्यादि के बाद कोई साथी की खाना नहीं हमारे जमात की जो तरबियत जो तरकीब है मिले तो रोजी नहीं मिले तो रोजा ऐसी हालत में चलते थे
कोई साथी किस साथियों में हमेशा मेरा पांव सुतरा मेरा दो भूख लग रहा कोई साथी बोलते नहीं अगर वो तो भी अगर भूख रहा हो तो पेट में पत्थर बांध देते थे साथिया जो ऐसे उनका मेहनत करो वो चट्टान में 2700 रो रहा था लेकिन जो इत्यादि जो होना कोई खाना नहीं है हमारा भारत को जो करिए तो गरीब लोग ने अभी घर बना ले उन्हें जो अपने घर के अंदर तुम्हें जहाँ नमाज पढ़ लो तरावी की नमाज जो हमें दरगाह के अंदर तुम्हें जो थे नमाज पढ़ लो करके अलहमदुल्ला वो सिर्फ दो मुसलमान तो पगारी के ऊपर दूसरा दिन सुबह का अलहमदुल्ला वो दो मुसलमानों से बात करो दोनों की नौकरी जो नगद बोझ लेकर हमारे साथ छीनने के लिए आ गया बहुत बड़ा हमारे साथियों को जो कसर नहीं मिला अल्लाह हमारा कुर्बानी की दया नहीं करता एक दिन हमें खाना नहीं खाए लेकिन बड़े बड़े बस्तियों में अच्छा पाए एक साथी भी हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं यहाँ थोड़ा एक रात की कुर्बानी है ना नींद की कुर्बानी भूख की कुर्बानी लेकिन दो साथी दो करता वो दो साथी भी हमारे साथ जो अलहमदुल्ला छीनना लगा अलहमदुल्ला उसकी बातों में नीचे आए वो मस्जिद के सदर साहब के ऊपर अल्लाह रहम डाले तुम्हें यहाँ तेरे दो दिन करके हमें एक दिन तेरे फिर पल्लगी करके एक बस्ती फिर शेखर कोड़े का लड़का आए हमारा नौ जमाता हरकत में आ गया पूरा जो शेखर जो कोड़े का में तकरीबन 5000 मुसलमान है एक इलाका नहीं छूटे एक जो एक आदमी नहीं छूटा इसी जो फिरने के जगह जो पिल्लर आग बोलती सुसाइड पॉइंट है लोग वगैरह कितनी कर रहा था तकरीबन कोड़ेकानल में मुसलमानों की 450 दुकान पे वो दुकानदार मुलाकात हो जो जोबर की बात हमारे जो बड़ों की जो करती है हिदायत है ऐसा पूरा जोबर की बात बाजारों की मुलाकात करते हैं आपकी बस्तियों से दो साथी हमारा साथ आए आपकी उसकी भी इजाजत दी इजाजत लेकर हमें जो वो फिराक्स लेने के लिए फिराक्स की दुकान में था दूसरा दिन 22 किलोमीटर अलहमदुल्लाहारो में एक जमाने में जो वो प्रिंसेस का मुसलमान की बस्ती था पूरा लसन का जो व्यापार है जो नाटी लसन बोलती जो पगारों में उसके अंदर जो बहुत सारा जो सिफात है उसको बेचने वाला एक्सपोर्ट करने वाला लेकिन आज 30 मुसलमान हो गया 170 पदार्थ में से हमें जाने के टाइम भी एक आदमी गर्म पानी कर करके फिर अलहमदुल्ला जो 30 पर गए भगवान से भी मुलाकात हुआ हमारे रहबर जो गैर लोग थे हमें जाते जाते जो नाम बोलते थे क्या ना तुम्हें अच्छा है क्या बोलो मेरा नाम वो नहीं वो नहीं वो क्या हमारा वाक आपकी जो आपको हमने जैसा वैसा बात करते करते तुम्हें कई बार तो मुसलमानों से देखना था हमने दिखा तो पूरा जो पूरा गर्म को नहीं चिरावर बनकर काम लेते थे अलहमदुल्ला उसकी बात अलहमदुल्ला हमारा मालूम होगा वहां से देख के अल्लाह तो 13 बस्तियां हैं मुसलमान की 1 2 3 5 मुसलमान आ रहे थे लेकिन जो वहां की कोई रास्ता नहीं जाने के लिए अभी तो कोई जमा चाहकर भी नहीं है क्या करना है ठीक है चलेंगे करके हमारे जमा चलने लगे सुबह 6 बजे हमें निकले अलहमदुल्ला गुंडू पट्टी का वहाँ ये बात घर वाले थे उनसे अलहमदुल्ला मुलाकात करे उसके बाद ये कारण इसी कारण हमें जमा को डिवाइड करे पूरा साथी फिर कर आने को तो तकरीबन 30-35 किलोमीटर आएगा इसीलिए हमारे जमात को बाहर कर तुम्हें ये इलाका में काम करते हो हमें वो इलाका में काम करते हो आदमी घर पर अलहमदुल्ला जमात को बाहर कर मेहनत करे हमारे जमात जाते जाते हो अपन करके एक बस्ती था आनावटम को तो हाथी की जो जो सिर की तरह जो पड़ा रहता है उसके नीचे जो वो बत्ती इसी के लिए आनावटम बोलते हैं वहां जाकर मुलाकात करे अलहमदुल्ला एक बार था एक सिर्फ एक जंगल के अंदर इंसान दिन में भी रहना करता है इसी जंगल है लेकिन हमने मुलाकात करे वो जो औरत रोने लगे मेरा सबर इंतकाल हो गया 2 साल के पहले मैं 2-3 लाश को लेकर रोने लगे कोई मदद करने वाला नहीं अगर मैं यहाँ से छोड़कर 15 किलोमीटर और बस्ती की जाकर मुसलमान को बुला लेता ना तो यहाँ जो बेड़िया मेरे सबर को काले थे इसी जंगल है
मैं रोने लगे। तीसरा दिन जो आनंद निकालने वाला एक मजमा है, मेरा हाथ देख के क्या है, आपकी क्या मदद करना चाहिए, मेरा जो शुगर का जो आगरी जो जो ये है वो करना है। इर्दि चरण वो दिन तमिल वो टीका में कर लो फिंगर पर उन्हें ले लो ये। दूसरा दिन मटकन में जो उसको राख लेकर आकर दे, उनका नाम अब्दुल अजीज था। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं हमारा कैसा है, ऐसा इनकी भी मामूल करके उन्होंने जला दिया। दूसरा दिन राख लेकर आ गई। ऐसा हमारे जमा चलते चलते कुकर पहुंचे, कुकर ऐसी जगह है, ऐसी जगह शिव प्रदेश के बाद कितना बड़ा भगतुल भी रहना नहीं होता। ऐसा हमने जमा तो कहूंगा मनु बकरा तो लकड़ी चुनकर जो लोहे पाकर जो पत्थर रखकर खाना बनाते थे, जो 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 जंगल का भूख पहुंचे एक एक साथी करोड़ों किलो भी कह रहे थे उतना भूख रहता है। जो 40 किलोमीटर जंगलों में चलकर कहा भी तोड़ नहीं सकते, कहानी की कहना नहीं, ऐसा चुनकर आओ तो अपना पेट के अंदर पत्थर भी रहता है। जो पत्थरों को निकल कर खाए तो एक एक साथी आधा किलो आसानी के साथ खा लेते हैं। पीछे 3.5 किलोमीटर पगाड़ी पर लेकर जा, एक मुसलमान का शेख मोहम्मद करकर अलमिला एक टेंट डालकर पूरा रात अलमिला 36 साल की एक छोटा टेंट के अंदर अलहमदुल्ला आराम करो। तो साथी निगरानी पर बाघर अंगार डालकर जो चंगड़ी डालकर था अंगार डालकर अमीन ने टेरने लगे। हाँ देखो तो रात को बाहर आ गया आवाज सुनते तो अमीन ने टार्च लेकर देखे तो हाथी की तरह घर में निकले, एक सुतुर भी नहीं तो जो टेंट से अमीन जाकर देखे हाथी। सामने जाकर देखे तो जंगल का बैल है, एक एक बैल जो 2 टन रहता है, 1500 किलोग्राम रहता है, उतना बड़ा बैल है। लेकिन अल्लाह से मदद हो गई थी, मुलाकात हुआ उसके बाद वहां से हमारा जो निकलना शुरू करे 5 बस्तियों को देखते हुए एक रास्ते पर गुजरे। जब 12 बजे निकल पड़े 5 बजे तक जंगल के अंदर कोई रास्ता नहीं, कहां जा वो भी पता नहीं, लेकिन मालूम तो हुआ तो मैं कोई आज रात तक पहुंच जाती है। अलमुला मेरे जमा चलने लगे अलमुला 5 बजे पूरा अंधेरा होगा ना पीने के लिए पानी है, वो ऐसी जो 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 यूक्लिड जो जो एक बर्फ बोलते हैं वो पानी की सूस लेता है उतना जो वो इसकी वजह से पानी नहीं है। जो रास्ते में ऐसा जो एक टूट चूसने वाला एक कीड़ा रहता है उसके तमिल में अट्टा करकर बोलते हैं, वो कैसा चढ़ता वो भी मालूम नहीं होता, वो कैसा टूटू जो सूझता वो भी मालूम नहीं होता। लेकिन मालूम होने के बाद वो निकले तो 2 घंटे लगातार फोन आते रहता है। वैसा जो जगह अगर साथी भी अलमुला, लेकिन साथी तो बर्दाश्त में तैयार है। 5 बजे मालूम नहीं हुआ एक साथी जोर से अजान देने लगे, अजान के बाद ये रास्ते में जाएंगे करके जाने लगे। 6 बजे जो पगाड़ के नीचे एक बस्ती मालूम हुआ, जो 2 साथी हमारे साथ आए वो पगाड़ी इलाका, हमें फिर रोन लगकर वही बस्ती का आगे करके डरने लगे। पूरा दिन फिर कर फिर वही बस्ती का आगे क्या, और एक साथ ही दूसरा एक जगह पर आ गए। लेकिन नीचे पहुंचे अलमुला वो कोहिनूर था, हमारा जो रूप था वो कोहिनूर में पहुंचे अलमुला। लेकिन वहां जो जो हमें कहां जाए कभी वो बस्ती के सरदार जो कई लोग रहे कभी उनसे मुलाकात के लिए खुशूसी में चले जाए साथियों को बस्ता में रोक कर कर मैं खुशूसी में जाकर वो मारवाड़ी तंगम था वो मलयालम बात कर रहे हैं उनके घर को जाकर अगवा में हमें जो हमारे कारगुजार बोलने से इतना तड़प रहा उनकी बीवी खाने पकाने के लिए उनकी बच्ची जो चाय बनाने के लिए इतनी। लेकिन हमें तो गाना रेडी है, हमें सुबह से गाना जो लेकर पड़ रहे लेकिन खाने के लिए जगह नहीं। आप लोग जो आपकी बच्ची में बस स्टैंड में तैरने के लिए जो जगह दो तो बहुत मेहरबानी होगा। नहीं कहीं को तुम्हें बस स्टैंड वो जगह नहीं करना, मैं आरो करके जो लेने जाकर एक नया शादी मंगाता वो छतरंग करके बोले गए उसको बोलकर तुम्हें कितना दिन होना कभी देर पैसा मतलब हमारे साथियों ने रोकी। मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर जगह देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बगैर जो गैर ईमान वाला उन्हें तो खुशी से खाने के लिए जो हर सहूलत देने के लिए तैयार कर कर साथी भी दुआ भी करते अलहमदुल्ला। उसके बाद हमें जाना बड़ी मनायक उन्हें अगर रोक देखे तो 135 किलोमीटर एक दिन में जाना कैसा जा सकते अल्लाह। फिर जो 7:45 बजे निकले जाते जाते 11 किलोमीटर में नेशनल पार्क आ गया, जो टाइगर जो शेर रहने वाला जो जगह था वो जगह में बस भी जो फास्ट जाना जाल बांध कर जाना वो
जैसा हमारे पैदल चले एक सिट पोस्ट में एक छोटा ऑफिसर से बर्खास्त करने लगे, वो जो ऑफिसर इजाजत दिए हमें जाते जाते 4 किलोमीटर के बाद एक बड़ी ऑफिसर आया, आकर कौन इजाजत दिए पीएम का जो लेटर दिए प्राइम मिनिस्टर का, ये जंगल जो हिंदू तो केरला का नहीं है ना तमिलनाडु का है, ये तो हिंदुस्तान का नेशनल पार्क है, तुम्हें वापस जाना, वो भी मुना जाकर आना, वो भी चलने की इजाजत नहीं पैदल ही जो सवारी में जाना कर। हमारे वो जो 7-5 साल के बुजुर्ग बोलने लगे, सर अभी तो कोई जो हमारा पाँव जो सवारी में नहीं रखे, अभी हमारा थोड़ा 1 महीना लगते है, तुम ऐसा बोले थे कैसा सर, हमारे ऊपर थोड़ा रहम करो सर करके उन्हें मानने लगे, नहीं इजाजत नहीं आओ वापस। हमें मशुरा करे इतना बड़ा ऑफिसर तुझे हमें जो बात को ना मानकर चलना मुनासिब नहीं, आओ जाएंगे फिर पोस्ट ऑफिस को। हमारे दोस्त साथी नमाज पढ़े दुआ करने लगे, हमने ये दीबुल मुस्कर अल्लाह तू ही मदद करने वाला। जो हमारे साथ एक छोटा जो 17 साल की नहीं लेने के बच्चा था उन्हें फरमाने लगा मिर्जा फेरो वही ऑफिसर वापस आता देखो, आकर उन्हें छोड़ता है तुम्हें जाओ कर इन्हें बोल कर मुंह भी तपन नहीं किया जीप आ गया, आकर वो ऑफिसर तो मान लो तुम्हें जाओ इंशाल्लाह इजाजत है आपके लिए, लेकिन जल्दी चले जा 9 बजे से जो शेर जो ऊपर से नीचे आ जाता रोड़ों पर आपको तकलीफ हो जाता जल्दी चलो करके अलहमदुल्ला। हमारा साथी भी अलहमदुल्ला तकरीबन 8-9 किलोमीटर को 1.25 घंटे में अलहमदुल्ला जल्दी जल्दी निकल के चले निकले, वहां जाकर वो आप पसंद था वहां भी अलहमदुल्ला एक साथियों से मदद किए। उसके बाद हमारा भोली नायक नूर का ना तकरीबन जो जो 25 किलोमीटर है वहां भी थोड़ा करके एक पगार है तकरीबन 7-8 पगार को नीचे आना है। अब वहां भी जो अभी एक इंसिडेंट होगा जो फायर एक्सीडेंट में 30 आदमियों की इंतकाल होगा, ये जगह पर चीफ मिनिस्टर के भी जो इजाजत नहीं है आप नहीं जा सकते, फिर भी अगर साथी नमाज पढ़े अल्लाह से मांगे वही साथी राय दिए तुम्हें वो दरिया तक चले जा, दरिया से दरिया के अंदर ही चार तक है वो बची जाएगा आपकी दिक्कत नहीं करते। हमारे जमात में वो गोली के साथी भी था हमारा तो वो रास्ता बता दो हमें लेकर जाएंगे। 7:45 बजे के निकले अल्हम्दुलिल्लाह रात को 10 बजे जाकर पहुंचे बोड़ी में, पूरा चलते हुए ताली वगैरह एक वक्त की ताना था दरमियान में अल्लाह कहते हुए पहुंचे, कोई साथी सोकर उठे मेरा पाँव में दर्द है वैसा कोई साथी भी नहीं अल्लाह की मदद का। उसके बाद हमारा जमात काम करते हुए जो हर लाइन का हर वो बच्चे में इसी पुलिस ऑफिसर थे, वो पुलिस की देखकर हर आदमी डरता है लेकिन हमें पुलिस स्टेशन में भी बुला करता, वो पुलिस हमारे देखकर जो उनकी जो मुँह भी जो है इधर उधर हो करता कहीं का है तुम्हें कहा है करके वैसा अल्लाह जो कितनी है, जो कलेक्टर है वो तहसीलदार है जो एडवोकेट है डॉक्टर सबसे बड़ा कैप्टन है सबकी लिस्ट भी अलहमदुल्ला आगे, पूरा कितनी इंजीनियरिंग कॉलेज है डिग्री कॉलेज है पूरा अगर तलबा की जमात उसमें भी घुस घुस कर अलहमदुल्ला जो मेहनत करे अलहमदुल्ला अभी काम करते हैं। हमारे जमात कुमड़ी पहुंचे वहाँ बारिश था लगातार अभी भी मालूम हो रहा जो कुमड़ी जो जमीन भी अंदर चले जाना इसी हालत था अलहमदुल्ला। हमें जाकर वहां भी मेहनत करे पानी के अंदर इतनी जो एक एक आदमी की जो सीना तक पानी था पानी के अंदर 2 किलोमीटर चल जाकर मेहनत अलहमदुल्ला वो बच्चियों में भी मेहनत करे वहां से अलहमदुल्ला 1-6 किलोमीटर 4 टी स्टेट जो टी स्टेट बोलते हैं वो स्टेट में मुसलमान लेकर हमें जो 1-7 किलोमीटर अलहमदुल्ला वो बारिश में हमारे पास जो कोट भी था 5-6 रुपए की जो जो तैला लेते हैं उसके दो तरफ जो ओस डालकर जो है हमें जो रेन कोट की तरह डालकर चलते रहते हैं हाथ में हसा भी था जाकर देखे तो वो 40 आसाम के रहने वाला वहाँ टी स्टेट में काम कर उनकी 70 बच्चे भी था वो लोग रोने लगे हमारे बच्चों का लिपा भी आता नहीं सलाम की दवा भी नहीं हमारा कोई सिखाने वाला नहीं अल्लाह उनके साथ अल्लाह का जो जो खाने की चीज आने लग जाकर पूरा बच्चों को लेकर खाने लगे उनके साथ असर पड़े ईशा मगरिब पढ़े ईशा पढ़े वो आदमी तय कर दिया मेरा 2 सूरत आएगा सूरह कौसर सूरह इखलास मेरे सभा से ये मुसल्ला है हमें 5 नमाज हमें शुरू कर जाते अजान देखे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होगा। फिर हमें वापस आना था वहीं 10 बजे होगा ऐसी बारिश ऐसी जंगल है थोड़ी देर चले तो फिर फिसल कर नीचे आना फिर थोड़ी देर ऐसा 10 मरतबा ट्रेन करे तो बाद में वो चढ़ना होता है इसी अल्लाह
और हम ये निकल पड़ने लगे अंधेरा, जो सामने मेरा साथी भी मालूम नहीं होता, सफेद जुबा पहन कर तो मालूम होता इसी जो अंधेरा था, लेकिन वो साथी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक की स्टेट ऐसी इलाका नहीं इसके अंदर जो सिंह कोबरा बोलते ना ऐसा सांप बहुत रहता है, हमें भी वो निकालने के लिए इतना लबड़ सूप पहन कर जो है निकालते हैं, वो सांप काटता है इसलिए हमारा मालूम नहीं होता। इसी जंगल में तुम्हें इतनी रात में जाना नहीं है, हमारा साथ रहता नहीं, हमारा सुबह का सफर है, हमें चले जाते हो तो तीन साथी हमारा साथ आया, हमें पहुंचे पहुंचे पौने 12 हो गया, उन्हें हमारा साथ काने ले गया अलहमदुल्ला, वो लोगों को तोहफा वगैरह अलहमदुल्ला टोपी हो बच्चों का, हम जो हमारे जमात में जो तोहफा लेकर जाते थे लोगों को जो है जो खिलाने के लिए उनको पहनाने के लिए अलहमदुल्ला, वो बच्चों ने जो टोपी की वजह से बहुत अलहमदुल्ला काम ऐसा हमारा लड्डी फेरियार में काम करे। फिर आते आते जो है तुलुकाबट्टी तक हमारा पूरा अलहमदुल्ला पूरा दिंडीगढ़ से लेकर तुलुकाबट्टी तक 140 पर 4 गांव था मुसलमान की, एक गांव भी नहीं छोड़े, अक्सर 90% एक घर भी नहीं छोड़े, पर तक मुराकत करे पूरा अलहमदुल्ला लिस्ट लेकर आए। तुलुकाबट्टी से जो 50 पर 5 किलोमीटर दिंडीगढ़ था, जाने के टाइम थोड़ा रुकावट था, हमें जो है आगे हमारा सफर पैदल ही जाएंगे, अपर वक्त ने हिसाब पढ़कर निकलने लगे 50 पर 5 किलोमीटर पदर की नमाज दिल्लीगढ़ जाकर पहुंचे। ये दिल्लीगढ़ वालों को मालूम हुआ, वो लोगों ने कहीं बात करने के लिए तैयार नहीं, जो जो दरवाजा खोला हमारा वापसी की बात करे, एक वक्त किलाए भी हमने गलत कर दिया जाने के वक्त आप लोगों का, हमारा माफ कर रहा की जमातों को रवाना करो, ये गलती इसकी बात नहीं होगा। अब जो बहुत हमें तो 50 साल काम कर रहे हैं ऐसा काम की जो जो अखबार हमारा पास नहीं है, तुम्हें जो है जो आपको जो रुकावट देख कर भी तुम्हें काम करके हमारा जो है हमारा इज्जत करके फिर मरकज को तुम्हें आगे करके उन्हें पूरा हवा लिया। फिर जो अलहमदुल्ला सैलम में भी हमारा कहा जाता हमारा जाने के टाइम हाजी आतिम हाजी रहमान की कब्र में मुंह से मनोज फरमा दे, हमारे जाते हुए बहुत हिम्मत दिलाए, बहुत हिम्मत दिलाए, दुआ भी सिखाए, दुआ करते हुए जाओ अल्लाह की रास्ता खोलेगा करके अल्लाह वाकी यतन का वाकी यतन वली, ये दुआ करते हुए तुम्हें जाओ 50 पर 6 में हजरत यूसुफ साहब रहमतुल्लाह की जमात बेंगलुरु से अल्लाह दिंडीगढ़ पैदल चले, उसमें हमारे सैलम की मरकज भी बनी अल्लाह, ये बार इतनी सालों के बाद आपकी जमात का अल्लाह ने कबूल किया, दिंडीगढ़ की भी आगे जा रही अल्लाह आपकी मदद करने वाला कर, इसलिए हजरत को देखने के लिए हमें सैलम गए थे, वो दिन का दिन था अलहमदुल्ला सैलम में अलहमदुल्ला मरकज में अभिनव आए थे हमारा कारोबारी सुनने के लिए, और मरकज की बात में 10 जमात अलहमदुल्ला पैदल सैलम से बनिया जमात भी अलहमदुल्ला बेंगलुरु को दूसरा दिन ही आ गया अलहमदुल्ला इलियास नहर में काम करे अलहमदुल्ला, वो लोग भी अलहमदुल्ला आदियार के पास में पूरा अखबार दिखा है अलहमदुल्ला, आदियार भी खुशी था, दूसरा दिन चेन्नई की मसूरा था, चेन्नई की जाकर आदियार ने पूरा जो है दिनी अभी पूरा कारगुजारी बताए, चेन्नई में 80 जमात पैदल 4 महीने के लिए तैयार हो, आप लोग ऐसा जमात भेजते रहो आपके इलाका में, ये मेहनत से अल्लाह बहुत सारा जो है अलहमदुल्ला अल्लाह रास्ते खोलेगा करके जो है हिम्मत दिलाए अलहमदुल्ला। उसके बाद आइतवार के बाद हमें निकल कर फिर भी दिन इधर अलहमदुल्ला हमारा वापसी की बात भी होगा, फिर अलहमदुल्ला 9 बजे भी अलहमदुल्ला वापसी की बात हुई, तमाम साथियों ने सही सलामत के साथ अलहमदुल्ला मुझे मेहनत कैसा करना वो सीखते हुए अल्लाह की मदद को जो कहीं भी मदद नहीं कुला हुआ मदद को अलहमदुल्ला देखते हुए अल्लाह ने चलाया अलहमदुल्ला। अभी तक अलहमदुल्ला पूरा जो है मुलाकात था वो गाँव वाले भी अलहमदुल्ला फोन करके पूछते हैं आपकी मेहनत की अभी बाकी है अलहमदुल्ला पूरा अलहमदुल्ला निजाम चढ़ा हमारे वास्ते दुआ करो, हमारा जमात भी आप तस्किल करना 4 महीने हमें भी पैदल निकलेंगे करके अलहमदुल्ला लोगों ने बहुत खुश होगा अलहमदुल्ला रातों की दुआ है जो आज जो है 30 साल के पहले यहाँ तक की काम करने वाला भी साथ जो पूछती ये क्या पैदल इतना दूर चल कर आना ये तो अच्छी नहीं है करके, लेकिन 30 साल के पहले हमारा जो है हाजी फरमाने लगे 30 साल के पहले हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह की जो 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 वो पैदल जमात की जो वो काम था वो अभी शुरू हो जाना ये जमात से करके पूरा तमिलनाडु में सैलम वाले थे, इसके बाद हमें सवारी की जमात दिख रही है हमारा बस्ती जो पूरा पैदल की जमात
ऐसा हमारा इलाका भी बहुत बड़ा इलाका है, हमारा हर जिला मिलकर है। हमें यहाँ से सुल्तान साहब से लेकर अलहमदुल्ला अपने अपने जिले के पैदल जाएंगे, अल्लाह इसकी नतीजा जरूर अलहमदुल्ला हमारे जिलों में अल्लाह डाले। हमारा पूरा अलहमदुल्ला हमारा साथियों ने इंजीनियर ने थोड़ा कैलकुलेट डाले, हमारा पूरा पैदल की जो किलोमीटर 4300 किलोमीटर का। अब हमारा साथी वो इंजीनियर साथी कैलकुलेट करे सुल्तान साहब से मक्का मुकर्रमा 6400 किलोमीटर है। हमारा पड़ोसी इधर लेना ऐसा पड़ोस में जमात काम करते हुए मक्का मुकर्रमा जा रही, ऐसा हम भी हमारा जमात भी एक साल जाएंगे मेहनत करते हुए जाकर अल्लाह के घर में मांगेंगे काम की रास्ते करके। तमाम साथियों ने इरादा कर कर किया अपने जिला में जो चार चार महीने पैदल लगाना इंशाल्लाह पैदल की जिंदगी से अल्लाह जो है अल्लाह की गुस्सा दूर होता है। अल्लाह बस्तियों में जो कितना है वो कितना ऐसे दूर हो जाता है ऐसा नहीं क्या होता अंधेरा दूर हो जाता है ऐसा। इसलिए तमाम साथी भी इंशाल्लाह आज से इंशाल्लाह अपने अपने जिले के लिए चार चार महीने के लिए नियत करना है। पूरा आरम्भ तो पहले भाई 4000 महीने अपने जिलों में पैदल लगाना, जो हमारे जिम्मे जिले हैं उन जिलों में पैदल 4000 महीने लगाना। अभी जो इज्तम इंशाल्लाह होंगे आमतौर पर मामूल है हमारा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में जिलों के इज्तम होते हैं, तो 4 महीने पैदल उन जिलों के इज्तम के लिए लगाना। कौन कौन तैयार है जरा खड़े हो जाओ भाई। 4 महीने अपने जिलों जो जिले हमारे जिम्मे हैं उनमें 4 महीने लगाना पैदल जाना मिश्रा हफ्सा बोलिए 4 महीने कौन अपने जिलों में पैदल लगाएगा। ये किसी के जिम्मे 3 तालुके हैं 4 तालुके हैं तो उस जिले में पैदल 4 महीने लगाना। जो जिला हमारे जिम्मे है उस जिले में हम 4 महीने पैदल लगे। और कौन तैयार है भाई हिम्मत करो भाई खड़े हो जाओ। 4 महीने अपने जिलों में कौन पैदल लगाएंगे हिम्मत करो खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। अजरा के जो इज्तम होंगे उसमें जान पड़ जाएगी उन इज्तम में जान पड़ जाएगी अल्लाह उनको हिदायत का नूर बना देंगे। जहाँ जहाँ इस 4 महीने की जमाते पैदल काम करेंगी उन अजला में इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिदायत का सूरज तुलू करेंगे ईमान का नूर अल्लाह फैलाएंगे। जैसे कहना ना ये उन्होंने कारगुजारी सुनाई कुर्बानी पर तो मैं नहीं ये तो महीना ही कुर्बानी होता है ये तो महीना ही कुर्बानियों की यादगार है ये तो महीना ही कुर्बानियों की यादगार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों पर अल्लाह ने काबे को पूरी दुनिया का मर्जा मरकज बना दिया और हिदायत का मरकज बना दिया पूरी दुनिया में हिदायत के फैलने का अल्लाह ने वैसा मरकज बना दिया। तो अल्लाह ताला हमारे अजला को हमारी पैदल जमातों को पूरे जिलों में हिदायत के फैलने का जरिया बना दिया। और कौन हिम्मत करके 4 महीने पैदल अपने जिलों में और जितने खड़े हैं सब नियत करें हम अपने साथ जमात बनाए। अभी से मेहनत करके अभी से नियत करो माशाल्लाह कुर्बानियों का महीना है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की यादगार है यह महीना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की यह महीना यादगार है तो नियत करो इंशाल्लाह हम अपने साथ जमात बनाएंगे। हर आदमी अपने साथ जमात बनाएगा और जाकर अपने जिम्मों में पैदल 4 महीने लगे अल्लाह सबको कबूल करो सबके लिए आसान करो। कुछ लोगों की राय है कि आइंदा मंगल बुध के दिन ईद है और बुध के दिन ईद है और मंगल रोजे का भी है रोजे का भी है तो
कुछ साथियों की राय है कि मशवरा पहले हो जाए या बाद में हो जाए, क्या करें वो। बताओ भाई क्या है।